नगर निगम कारकारिणी कक्ष के बाहर बैठा हूं। मेरा दुर्भाग्य है, कभी मैं इस कक्ष का उपसभापति होता था। आज जो अभी 6 महीने पहले किसी प्राइवेट सर्वे कंपनी को टैक्स संशोधन टैक्स को कर छूटे भवन को कर में लाने के लिए दिया गया, वो लोग जाके मकानों का टैक्स चेक करने लगे और जिनसे उनको पैसा मिलने लग गया उनका उन्होंने कम कर दिया, और जिनसे उन लोगों को पैसे नहीं मिले उनका टैक्स उन्होंने 800 की जगह 5800 4700 4700 कर दिया। और जहाँ पे टैक्स के बिल बट गए हैं वहाँ का मैं पार्षद पीड़ित पार्षद हूँ, पूरे मकान मालिक मुझे घेर रहे हैं। अभी अन्य पार्षदों के वार्ड में बांटे जाएंगे तो वो भी पार्षद चिल्लाएंगे। गोबी नगर का 2.40 रुपये लगाया का ARBI और दादानगर फैक्ट्री एरिया का ARBI 1.40 रुपये लगा रखा है और पनकी फैक्ट्री एरिया का 1.40 रुपये लगा रखा है। मैंने माननीय महापौर जी से निवेदन किया था, महापौर जी ने जाँच करवाई, महापौर जी ने सर्वे रुकवाया। हमारी मांग है कि सर्वे जो हुआ सर्वे कैंसिल करके, प्राइवेट कंपनी ने जो सर्वे किया है पैसा लेकर उन्होंने सर्वे लोगों का किया है उनसे कैंसिल करा के नगर निगम खुद सर्वे करे और जो जायज टैक्स बनता है उनके मकान मालिकों से लिया। मेरी बात नहीं मानी जाएगी, मैंने मानी महापौर जी हैं, मेरी महापौर जी मेरी बात को मानेंगे, मुझे पूरा विश्वास है। अगर नहीं मानेंगे तो मैं पार्टी फोरम पे अपनी बात को रखूंगा, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बदनाम नहीं होने देंगी, ना महापौर जी होने देंगे, ना हम होने देंगे। कुछ अधिकारियों की ये कूटनीति है, उस कूटनीति का विरोध कर रहा हूँ।